गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सम इम्पोर्टेंस इन मेडिकल्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1। इसके अंदर के को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे SI यूनिट ऑफ के। तो रेट ऑफ रिएक्शन के SI यूनिट मोल पर लीटर सेकंड। इसके बाद के फाइंड करेंगे और SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, कैंसिल आउट। तो आपके पास सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू के। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रेट कांस्टेंट के SI यूनिट होंगे सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रेट कांस्टेंट के SI यूनिट फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट सम की बात करेंगे, शो दैट T99% इज इक्वल टू 10 टाइम्स टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड के लॉग ए नॉट डिवाइड बाई ए। कंडीशन के अकॉर्डिंग 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब जो आपके पास ए होगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 99.9 माइनस ए नॉट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.001 ए नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन 1। तो आपके पास आएगा के इज इक्वल टू 2.303 टी। टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइड बाई 0.001 ए नोट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए नोट से ए नोट कट आउट, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग आपके पास आएगा 10 की पावर 3। अगर लॉग के साथ कोई नंबर हो और उसके ऊपर पावर, तो पावर को हम अगर आगे ले आएंगे तो आपके पास आएगा टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 3 और लॉग 10 इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बात करें टी हाफ का मतलब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ खत्म हो जाएगी। मतलब ए को हम पुट करेंगे ए नॉट डिवाइड बाई 2, ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट, आपके पास आएगा लॉग 2। लॉग 2 को हम लिखेंगे 0.3010 इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा T99.9% टी हाफ इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आपके पास आएगा 3 अपॉन
0.3010। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा T99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स टी हाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड सम की बात करेंगे, 50% रिएक्शन कंप्लीट इन 120 मिनट्स, हाउ मेनी टाइम्स रिक्वायर टू कंप्लीट द रिएक्शन 90%। 50% का मतलब इसमें जो टी हाफ 0.693 डिवाइड बाय के, पहले हम के को फाइंड करेंगे, टी हाफ 120 मिनट, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 120 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा 5.77 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 पर मिनट। इसके बाद 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए इक्वेशन टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ए नॉट डिवाइड बाय ए। इसके अंदर हम ए को पुट करेंगे 10 ए नॉट, मतलब कि 100% में से 10% रह गई, तो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के, के हमारे पास था 5.77 10 की पावर माइनस 3 लॉग 100 ए नॉट डिवाइड बाय 10 ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, हमारे पास रहेगा 10, लॉग 10 को हम बोलेंगे 1, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 399 मिनट। नेक्स्ट सम की बात करेंगे, कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन के 2/3 होने में कितना टाइम लगेगा अगर रेट कांस्टेंट आपको दे रखा हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड के लॉग ए नॉट डिवाइड बाय ए, इसमें जो टाइम हम लेंगे 2/3 मतलब 2/3। इसके अंदर जो ए होगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2/3 ए नॉट, तो आपके पास आएगा ए नॉट डिवाइड बाय 3। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो टी 2/3 इज इक्वल टू 2.303 5.48 10 की पावर नेगेटिव 14 लॉग ए नॉट डिवाइड बाय 1/3 ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट, इसके बाद लॉग 3 की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद और उसके बाद सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.01 इंटू 10 की पावर 30 सेकेंड। तो इस तरह से आप रिएक्शन को 2/3 होने में कितना टाइम लगेगा उसको फाइंड कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हमने बात की थी सम इंपॉर्टेंस इन मेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इसके साथ ही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।